दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। बहनों, इस सरकार को सोने और जगाने का काम आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत प्रयास किया, मगर अब इस सरकार को ऐसा जगाया जाएगा कि इस कुर्सी की उसकी छाया भी उसको नजर नहीं आएगी। हमें एक है। तो बहनों, क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने 23 और 24 तारीख को मेरी बहनी जो लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रही थी, उसमें हम भी मौजूद थे, हमारी बड़ी बहन सरिता जी भी थी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष को जेल में 24 घंटे बंद कर दिया गया था, हमारे सारे पदाधिकारियों को वहां से उठा लिया गया था और 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बार पानी की बौछारें छोड़ी गई, कितनी बार लाठी चार्ज करवाई गई। ऐसी सरकार की हम निंदा करते हैं कि जो सरकार महिलाओं से डरती है और कहती है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। कैसा सम्मान है? अगर मोदी सरकार को मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो आकर सामने बात करे। एक तरफ महिलाओं को डंडा बरसाती है और दूसरी तरफ कहती है कि महिलाओं का सम्मान, सबका सम्मान, सबका विकास। किसका विकास है? विकास तो उस सरकार का है जो कुर्सी पे बैठी है, उसको सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा है। कमल उसका खिल रहा है जो कुर्सी पे बैठी है। कमल मेरी बहनों का नहीं खिला हुआ है, मेरी बहनों का कमल मुरझाया पड़ा हुआ है। इस 3000 में कहते हैं कि खाते खुलवाए जा रहे हैं। मेरी बहनों के पेट में मेरी खाने का खाना नहीं प्राप्त होता 3000 में, तो खाते में कहां से जमा किया जाएगा? ये सरकार कहती है कि खाते खुलवाइए, तो बताइए हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं होता है तो हम खाते में क्या जमा करेंगे? क्या जमा करेंगे हम लोग खाते में? और बहनों, सरकार बनते ही कहे थे काला धन आएगा, बोले थे ना काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे हम लोगों के। कहां गए वो अच्छे दिन, कहां गया और काला धन? हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि काला धन जितना आया सब समेट के अपने पास ही रख लिए हैं। कहीं काला धन मेरी बहनों के खाते में कहीं भी नहीं आया, किसी गरीब किसान के खाते में नहीं आया, किसी गरीब मजदूर के खाते में काला धन नहीं दिखाई दे रहा है। जो गरीब मजदूर जहां की तहां पड़ी हुई है। आखिर मेरी आंगनबाड़ी बहनों का 3000 मानदेय एक मजदूर करने वाले मजदूर से भी उसकी मजदूरी बिल्कुल बदतर है। कम से कम वो दिन भर मजदूरी करता है, 300 रुपए पाता है, मगर मेरी बहनों का प्रतिदिन 100 रुपया दिया जाता है। 100 रुपए में हम साग सब्जी लाएंगे कि अपने बच्चों की फीस देंगे कि अपना हम भरण पोषण करेंगे या अपना परिवार पालेंगे, मगर इस सरकार का बनाने का काम मेरी आंगनबाड़ी पूरी 4.25 लाख बहनों ने किया है। अगर यही पूरी 4 लाख पूरी 28 लाख बहने मैदान में उतर जाएंगी तो ये सरकार जैसी कुर्सी पे बैठी है उसको गिराने का काम करेंगी। क्योंकि अगर अभी तो हम लोगों का रूप देखा है कि एक महिलाएं हैं, इस सरकार को पैदा करने वाली भी एक महिला है, तो वो सरकार जो सड़क पर बैठ के इनके सामने भीख मांग रही है, तो यही सरकार एक दिन काली और दुर्गा का रूप रख लेगी। सारा काम वोटरों का काम मेरी आंगनबाड़ी बहने करती हैं, मगर जब अपने पे उतर आएंगी ना, सारा बीएलओ का बस्ता हम लोग जमा कर देंगे, एक भी वोट नहीं पड़ने देंगे। हम लोगों ने ठान ली है अब जब आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिलेगा तो हम वोट पड़ने नहीं देंगे। जो सरकार कुर्सी पे बैठाते हैं हम, तो हम लोग गिराना भी जानते हैं। तो मेरी बहनों, आज आप लोग सड़क पर उतरी हैं, अपने आप को यहीं पर समझ लीजिए, अपने अपने राज्य में जाकर सारी बीएलओ को, सारी बहनों को ये समझा देना है कि सरकार को सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग 3000 में हम पोलियो बूथ नहीं चला सकते हैं। 1000 रुपए में 7777 रुपए आप लोगों को मिलता है। तो बहनों, कुर्सी पे बैठाने का काम आप ही लोगों ने किया है, सारे वोटरों का नाम आप लोग ही बढ़ाती हैं। तो जिस दिन आप लोग अपने पे उतर आएंगे तो इस सरकार को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, नहीं डरेंगे हुड़की से। हल्ला बोल मेरी बहनों, हल्ला बोल, आवाज ना आई, हल्ला बोल।
सर्वत आप लोग करके दिखा दीजिए बहनों। आप लोग जब इतनी दूर से आप लोग बाल बच्चे छोड़कर आए हैं तो या तो आज आर कर दीजिए या तो पार कर दीजिए। आखिर क्यों सरकार हमारी बहनों से डरती है, क्यों बहनों से डरती है जो पुलिस प्रशासन आगे करती है? आखिर उनके अंदर दम हो तो आकर मेरी बहनों के आमना सामना करे। तो बहनों ऐसी सरकार को बैठाने का आप लोगों ने काम किया है तो आप लोग गिराने का भी काम करेंगी। जो आंगनबाड़ी हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। तो बहनों आप लोग अपने हक के लिए जानी रही है कि 3040 साल हो गया है आप लोगों को काम करते हुए। आखिर 3000 आंगनबाड़ी बहने 3000 रुपए में हम लोग काम करते हैं, आखिर इनकी भी योग्यता हाई स्कूल से लेकर एमए बीए डबल एमए पूरी ग्रेजुएट है मेरी बहने, मगर सबसे कम 3000 रुपए मांगे सोचने का विषय है। प्रमोशन होता है तो उसमें भी उम्र का भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि 50 वर्ष से आखिर अधिक हो जाएगा तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। तो बहनों सारी बातें ध्यान में रखते हुए आप लोग भी हम लोग भी एक नया नियम निकालेंगे कि आखिर चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो अगर 50 साल के ऊपर हो जाएगा तो वो कुर्सी पे नहीं बैठेगा, उसको वोट का अधिकार नहीं है। सारी चीज आप लोगों को याद दिलाना है, जैसे जैसे आपके साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं वैसी कार्रवाई हम लोग भी करेंगे। आखिर हम लोग वोट देते हैं तभी ये सरकार बनती है, अन्यथा जिस दिन हम लोग चाह लेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में आप लोग 28 लाख हैं, 28 लाख मेरी बहनें हैं तो उनके साथ उनका परिवार भी है, 1000 आबादी पे आप लोग काम करती हैं तो उनके साथ उनकी फील्ड भी है। तो बहनों आखिर आप लोग यहाँ आए हैं दूर दराज निकलकर दिल्ली तक आप लोग पहुँच गई हैं, तो मोदी सरकार की आंखें खोल देनी है आप लोगों को, आप लोगों को मोदी सरकार की आंखें खुलवा कर यहाँ से जाना है बहनों, क्योंकि फरवरी में बजट पेश होने वाला है। जब भी होता है कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, आखिर एसी में चलने के लिए फालतू कामों में एरोप्लेन में घूमने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां करने के लिए इनके पास बजट है मगर गरीब बहनों के लिए बजट नहीं है, नहीं है। तो बहनों ऐसी सरकार को आप लोग दिखा देना है, हम सरकार से नहीं सरकार हमसे है बहनों, सीना तान के आप लोगों को लड़ना है। धन्यवाद, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।